difference between reserve capital and capital reserve. Bases are, first basis, meaning. Meaning, in the case of reserve capital, it is that the part of the uncalled capital which cannot be called up except the event of wind up. यानी कि इस capital को तब तक call नहीं कर सकती company जब तक वो accept कब कर सकती है वो wind up के time पे. The capital reserve, it is the part of the reserve which not free for the distribution as a dividend. ये dividend के लिए distribution के लिए condition के लिए requirement नहीं है. Okay. नेक्स्ट आती है क्या, क्रिएशन. क्रिएशन मीन्स क्या होता है, इट इज द अनकॉल्ड कैपिटल. रिजर्व कैपिटल क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल है, लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या है, इट इज द क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल. ये किससे किया जाता है, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट से. ये कब क्रिएट होती है, जब कैपिटल प्रॉफिट होगी कंपनी को, तब वो कहां पर होता है, वो क्रिएट होती है रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व. ओके, अब होता है मैंडेटरी. नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी क्या, मैंडेटरी. मैंडेटरी का मीन्स क्या होगा, क्या जरूरत है रिजर्व कैपिटल. इट इज नॉट ए मैंडेटरी टू द हैव द रिजर्व कैपिटल, यानी कंपनी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि रिजर्व कैपिटल मेंटेन करे. लेकिन इन द केस ऑफ कैपिटल रिजर्व, इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व इन द केस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी. जब भी कंपनी कैपिटल प्रॉफिट अर्निंग करती है तो इसका मैंडेटरी है इसका कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना. नेक्स्ट आती है आपकी स्पेशल रिसोल्यूशन. स्पेशल रिसोल्यूशन क्या है, स्पेशल रिसोल्यूशन इन द केस ऑफ रिजर्व कैपिटल की कंडीशन में क्या आती है, स्पेशल रिसोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिजर्व कैपिटल. यानी रिजर्व कैपिटल के लिए स्पेशल रिसोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इन द केस ऑफ कैपिटल रिजर्व के लिए स्पेशल रिसोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर कैपिटल रिजर्व. यानी कैपिटल रिजर्व के लिए कोई स्पेशल रिसोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अब क्या दिया हुआ, नेक्स्ट है टाइम व्हेन इट कैन बी यूज. किस टाइम पे इसका यूज होता है, इट कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. रिजर्व कैपिटल जो होती है द टाइम ऑफ कब यूज किया जाता है, वाइंडिंग अप, वाइंडिंग करती है जब कंपनी बंद होती है तब की कंडीशन यूज होता है. लेकिन कैपिटल रिजर्व की कंडीशन इट कैन बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी. इसका कब कंपनी यूज करती है, ड्यूरिंग द लाइफ, यानी जितने लाइफ तक वो कंपनी चली उसके बीच में कभी भी उसका यूज हो सकता है. नेक्स्ट आता है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस. राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल लॉसेस को कैसे राइट ऑफ हो सकता है. इन द केस ऑफ रिजर्व कैपिटल इट कैन नॉट बी यूज टू राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस. यानी रिजर्व कैपिटल का यूज नहीं होता किसके लिए, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के. लेकिन कैपिटल रिजर्व इट कैन बी यूज टू राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस. यानी रिटर्न ऑफ किससे राइट ऑफ कर सकती है, कैपिटल रिजर्व से कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ किया जा सकता है. और नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर का मतलब कहाँ शो कर सकती है, कहाँ नहीं शो कर सकती है. यानी रिजर्व कैपिटल की कंडीशन में इट इज नॉट डिस्क्लोज इन द कंपनी बैलेंस शीट. यानी ये कंपनी के बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन कैपिटल रिजर्व इट इज द डिस्क्लोज अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस. ये पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट के उसमें शो किया जा सकता है कैपिटल रिजर्व. इट डिस्क्लोज अंडर द हेड ऑफ द रिजर्व. ये कहाँ पर शो होती है, बैलेंस शीट में, रिजर्व और सरप्लस में, और किसके हेड के अंतर्गत आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंतर्गत. ओके, अब इसके बाद बात करेंगे डिस्क्लोज ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट. यानी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है उसके बारे में. ओके.